subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज एक बार फिर से जुड़े हैं हम लोग ऑल इंडिया स्पीटेड डिस्कशन के लिए एसटी नंबर 41B मैथ्स का सेक्शन। तो सभी लोग अपना कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाएं और हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन आता है अगर उसका बेहतर तरीका मिलता है तो उसको नोट डाउन करिए, जो नहीं आता उसको तो ध्यान से समझना ही है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जब जस्ट अ मिनट, इसे जब 78 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। तो अपना हम प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर को यूज कर लेते हैं। 77 को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 78 माइनस 1, और फिर से इस 77 को 78 माइनस 1, समझने के लिए ठीक। अब इसको 78 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, इसको 78 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। अभी 0 टाइम्स जाएगा ना, बीच में माइनस लगा हुआ है, वही पावर रेस कर दीजिए। इसी तरह इसको 78 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, और इसको 78 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही आएगा, क्योंकि 0 टाइम्स जाएगा और बीच में माइनस लगा हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 1 का ऑड पावर और यहाँ पे माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। और जब भी रिमाइंडर निगेटिव आता है तो जिससे डिवाइड करते हैं उसमें से उसको माइनस करके हम लोग एक्चुअल रिमाइंडर पता कर लेते हैं। तो एक्चुअल रिमाइंडर कितना हो गया बच्चों, 78 माइनस 2 दैट इज 76। इट इज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर, ठीक है ना, ये रिमाइंडर की प्रॉपर्टीज से आया है। ओके, चेक कर लो, जब भी रिमाइंडर निगेटिव आए तो उसी में से इसको क्या कर देंगे हम लोग बेटा, माइनस कर देंगे जिसमें से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अगला चलते हैं, नेक्स्ट वाले प्रश्न की बात करते हैं। ये अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी जर्नी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता है। एक 18 किलोमीटर की जर्नी है, एक 20 किलोमीटर की जर्नी है और एक 27 किलोमीटर की जर्नी है, और वो इन डिस्टेंसेस को क्रमशः 16 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तो एवरेज स्पीड निकालना, तो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा 3 घंटा, यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा 4 घंटा, और यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा 3 घंटा। तो टोटल टाइम हम देख रहे हैं 10 घंटे हो रहे हैं, ठीक है ना। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस को ले लो, ये अगर 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर का जोड़ दें तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 18 और 20 38, 38 और 27, पहले आप 38 में 7 को जोड़ लीजिए 45 हो जाएगा, 45 में 20 को जोड़िए 75 हो जाएगा, सॉरी किस में जोड़ना था, 45 में 20 को 65 हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट इज 6.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। तो एवरेज स्पीड हमेशा कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसको यहाँ पे यूज कर लिया गया, ठीक है ना। चलिए अगला वाला चले हम लोग, यहाँ पे क्या है बेटा, वैल्यू दी गई है और आपको देख ही रहे क्या निकालना है। तो आपके पास एक पॉपुलर आइडेंटिटी है, आपको जानकारी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर साइक्लिक ऑर्डर में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है ना। ये पॉपुलर आइडेंटिटी आपको मालूम होगा, बहुत फ्रिक्वेंटली आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब वैल्यूज जो जो मालूम है उनको रखते चलें आप, जो जो वैल्यूज आपको मालूम है उनको आप लोग यहाँ पे पुट अप करते चलिए। तो चेक करते हैं कौन कौन सी वैल्यूज मालूम है हम लोग को। क्यूब वाली वैल्यू मालूम है, यानी ये वाली वैल्यू मालूम है हमें, और कौन सी वैल्यू मालूम है, एक्स वाई जेड मालूम है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो हमें क्यूब वाला और ये भी मालूम है, ये भी वैल्यू मालूम है, तो वैल्यू पुट करिए। तो एक्स वाई जेड की जगह 10 रखिए, क्यूब वाले की जगह 35 रखिए, माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड की जगह 15 रखिए,
और जो वैल्यू पूछी गई है वही बच भी रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बस लिखने में टाइम लग रहा है, बाकी अगर आपने परसेप्शन क्लियर कर लिया तो जल्दी से वैल्यू रख के आप आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या है बेटा, 75 और 15 का 45, तो ये तो 30 आ गया, 75 में से 45 हटा के बटे में 10 आ जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार और लिख दिया जाए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो ये हो जाएगा बराबर में आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ लिखना भर पड़ा है, आप अपनी परीक्षाओं में इसको अवॉइड करेंगे, ये जो इतनी बार हमने लिखा है, तो उसकी जगह कुछ एक अननोन रख लेंगे, ए ए बराबर निकाल लेंगे जल्दी से ना, तो वैल्यू बस पुट करना था जो जो वैल्यू दिया गया था। ठीक, चलिए अगला वाला चलें, ये अगला, एक बाइक को 2500 में बेचा जा रहा है तो लॉस हो रहा है 20% का, तो बेटा 2500 अगर क्या क्या सेलिंग प्राइस है ना, तो 20% के लॉस के बाद सेलिंग प्राइस कितना होगा 80, अगर 30% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 70%, बस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 70%। सिंप्लीफाई कर लीजिए आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25 सत्ते 175, जीरो और जीरो काट देते हैं, परसेंट परसेंट अपना कट जाएगा, 25 सत्ते 175 होता है, 17 पे 2 जीरो, यहाँ पे 8, ठीक है ना, तो 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार, ठीक है ना, तो काम करो ना, सीधे 8 से ना काट दें हम लोग, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही बात है, ठीक है ना, या तो 4 से ही काट दीजिए इसको, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, अब 4 चौके 16, 4 चौके कितना होगा 16, फिर 4 3 12, फिर 4 सत्ते 28, 4 5 20, फिर 2 से काटिए तो 2 1 8 7.5, इसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट है 2 1 8 7.50, चेक कर लीजिए। ठीक है, चलें अगला, अब यहाँ पे क्या है इसको देखिए, तो इसमें क्या दिखाया गया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है टोटल एक्सपेंडिचर का एक कंपनी का, और अलग अलग एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ है आप अपनी एसटी में देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, टैक्सेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन, जो है ये अलग अलग खर्चे हैं कंपनी के, और उसका क्या दिया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है ना, तो हमसे पूछा गया एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 20%, इज व्हाट परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे कितना है बेटा 25%, तो 20 जो है 15 से कितना ज़्यादा है, आप चेक करिए कितना ज़्यादा है 5, और 5 ज़्यादा किससे है 15 से, तो इनटू 100, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/3 यानी 33.33%, बस सीधे, और कुछ ज़्यादा का आपको काम नहीं करना है इसमें, तो 33.33% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है बेटा, यहाँ पे क्या लगा है, पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं, थ्री sec ऑफ एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमें x का मान बताना है, तो बेटा हमें क्या दिया गया है, 3 ऑफ sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4, इसको उधर ले गए तो sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4/3, तो sec ऑफ x इज इक्वल टू 2/√3 होगा प्लस और माइनस के साथ, ठीक है ना, लेकिन हम माइनस वाला साइन छोड़ देंगे, ठीक है ना, माइनस वाला साइन क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, sec ऑफ x इज इक्वल टू ओनली 2/3, 2/√3, क्यों, क्योंकि 0 x 90 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ऐसा लिख देंगे। तो ये बताइए sec ऑफ x 2/√3 है, किस एंगल के मान के लिए होता है, 30 के लिए ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर, अच्छा लिख देता हूँ, sec x इज इक्वल टू, ये sec 30 का मान है, sec दोनों तरफ से हटा दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया,
से कितना आ गया बेटा 30 डिग्री आ गया, ठीक है। ओके चलें अगला वाला, नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, मीडियन जेड एल एंड वाई एम, ये वाई एम ड्रॉ कर दिया, मीडियन जेड एल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी, यहां पर पॉइंट जी है, देन एरिया ऑफ जी एल एम, तो इसको हमें मिलाना पड़ेगा, इसको ड्रॉ कर दीजिए, आगे का कंस्ट्रक्शन कर दीजिए और मीड पॉइंट को मिलाकर एक त्रिभुज बना लीजिए पहले, तब होगा, ठीक है ना। तो ये जी अगर त्रिभुज एक्स वाई जेड का अगर आपका सेंट्रोइड है तो यही जी आपका, इसको एन कर देते हैं, एन एम एल का भी यही सेंट्रोइड है, दोनों का सेंट्रोइड क्या है बेटा, सेम है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसके फिर मिड पॉइंट को मिलाकर बनाए, फिर उस भी उसका सेंट्रोइड वही होगा, एंड सो ऑन, जैसे भी हम बनाते चले। अब आपको मालूम है, ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है कि, ठीक है ना, आपको मालूम है कि आपका, ठीक है ना, एक मिनट, आपको मालूम है कि, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो देखिए एक बार फिर से, ये हो गया एन एम एल, ठीक। अगर हम त्रिभुज के तीनों मीडियंस को ड्रॉ कर देते हैं, अगर हम त्रिभुज के तीनों मीडियंस को अगर ड्रॉ कर देते हैं तो वो जो मीडियन है वो त्रिभुज को तीन, सॉरी छह बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है, यानी सबका क्या होगा, एरिया बराबर होगा। अगर इसका वन है तो इसका भी वन होगा, मतलब एक्स अगर लेना हो तो एक्स लीजिएगा, सब वन में आएंगे, ठीक है ना। ओके तो अगर हम देखें तो ये ओरिजिनल त्रिभुज है ना, और हम देखें अगर ये 2a है तो ये a हो जाएगा, ये 2y है तो ये y हो जाएगा, ये 3z है तो ये z हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम त्रिभुज एक्स वाई जेड की बात करें और त्रिभुज एल एन एम की बात करें तो साइड का जो रेशियो है वो 2:1 है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया का रेशियो आपका स्क्वायर हो जाएगा 4:1, ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर है ना, दोनों 2:1 से सिमिलर है, तो सिमिलर है तो साइड का रेशियो 2:1 है तो एरिया का रेशियो 4:1। तो एक बात बताइए, अगर इसकी एरिया, इसकी एरिया कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसकी एरिया अगर 6 है, 6 स्क्वायर यूनिट है, इसकी एरिया अगर 6 स्क्वायर यूनिट है तो 6 स्क्वायर यूनिट 1 की वैल्यू होगी तो 24 स्क्वायर यूनिट एक्स वाई जेड का हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे किसका किसका निकालना है, ट्रायंगल जीएलएम का और ट्रायंगल एक्स वाई जेड जो ओरिजिनल है, तो एक्स वाई जेड का तो 24 है, एक्स वाई जेड का कितना है बेटा, 24 है, तो एक्स वाई जेड का 24 हो गया, जीएलएम देखो तो जीएलएम 1:1:2 हो जाएगा, यानी हमारा रेशियो रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बेटा, 1:12 हो जाएगा, ठीक है ना, ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1:12 हो जाएगा, ठीक है। ओके चेक कर लीजिए इसको आप लोग, आगे बात करें हम लोग, देख लीजिए एक बार, आगे चला जाए, ऑप्शन सी लगा लीजिएगा। लेंथ और ब्रेड्थ एक रेक्टेंगल का, लेंथ एंड ब्रेड्थ एक रेक्टेंगुलर फील्ड का 5:2 के रेशियो में है, पेरीमीटर दिया हुआ है यानी 2l + b 238, तो बेटा ये बताएं l प्लस बी हम कितना लिख पाएंगे, 238, तो लेंथ और ब्रेड का रेशियो 238 है, रेशियो में लेंथ ब्रेड का सम, लेंथ ब्रेड का सम 238 है, रेशियो में सम 7 है, और लेंथ रेशियो में कितना है बेटा, 5, तो बस 7 * 3 = 21, 7 * 4 = 28,
पाँच चौके 20, पाँच पंद्रह 16, 17, 170 एक मिनट, सात एक 21, दो सात चौके 28, पाँच चौके 20, पाँच पंद्रह 16, 17, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड, पाँच और दो सात ही तो होता है 238। अच्छा दो से डिवाइड नहीं किया गया, हमने लिखा तो लेकिन दो से डिवाइड नहीं किया, ठीक है ना। दो से डिवाइड करेंगे तो एक एक और ये कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, सम कितना है 119, रेशियो में सम कितना है 7, मल्टीप्लाइड बाई आपको लेंथ निकालना है 5 की वैल्यू, 7 से काटा 7 एक कम 7, 7 तो 49 और 17-25 मीटर में है, ठीक है ना। तो इसको क्या दे देंगे बेटा, मीटर में। ओके ठीक, आगे चलते हैं। ये क्या है बेटा, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये सीधे सीधे टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी है, यानी ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, यानी ये टेन 45 है और टेन 45 का मान कितना होता है बेटा 1, ठीक है ना। टेन 45 का मान कितना हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला। इसमें क्या दिया गया, मोहन अपना सामान ऑफर करता है सेल करने के लिए 20% के डिस्काउंट पे, 20% यानी -1/5, तो एमपी और एसपी आएगा -1/5, 5:4, बट अपना आर्टिकल का दाम वो 35% बढ़ाकर रखा है, 35% यानी 7/20 सीपी पे बढ़ाते हैं, सीपी से एमपी आएगा 35%, 35/100 7/20, तो 20 सीपी और 7 बढ़ाकर 27 आ गया। परसेंटेज गेन निकालना है, दोनों में एमपी को हमें सेम बनाना होगा, दोनों में एमपी को क्या बनाना होगा, सेम बनाना होगा, तो 27 ऊपर और 5 नीचे, हमें केवल किसको उठाना है, सीपी और एसपी को, तो आपका क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी को उठाना है, तो इसी से मल्टीप्लाई करें, तो सीपी 20/500 हो जाएगा और एसपी 4×27 हो जाएगा, ये तो आपका सेम हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो 27×4 कर दो 80, 7×28 108, 4×8 80, 4×7 7×28 108, तो 8% का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, 8/100 × 100 ये 8%, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 8%। अल्टरनेटिवली आप इसको और जल्दी कर सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए पहले आप, ठीक है ना। इसके अलावा अगर एक मेथड अगर निकालना हो, मार्कअप और डिस्काउंट जब डायरेक्ट दे रखा है तो हम और जल्दी भी एक फॉर्मूले से कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से, चले हटा दें इसको, तो एक तो ये हो गया। तो क्विकली क्या करेंगे इसमें आप, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 डिस्काउंट और मार्कअप 35, तो 35 माइनस 20 माइनस 35 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। हाँ ठीक तो है, तो हम इसको क्विकली कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्निक, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू 35 माइनस 20 माइनस 35 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, 35 माइनस 20 15, 5 टाइम्स 7 टाइम्स 7, जस्ट सब्ट्रैक्ट 8%, ओके आगे चलें। नेक्स्ट, अब इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, तुम फिगर में एल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एम एल इज परपेंडिकुलर टू एल एन, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखाया गया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एम एल एन 36 है, तो एरिया ऑफ द सर्कल, तो बेटा एरिया क्या हो जाएगा, ये आप अगर कहें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आर इंटू आर, ठीक है ना, हाफ इंटू आर इंटू आर इज इक्वल टू कितना दिया 36, तो r बराबर कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए, एरिया एरिया हो जाएगा, चलिए आर स्क्वायर ही रखिए फिर, ठीक है ना, क्योंकि हमें आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू
72, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 72 पाई, और यही हमारा क्या है, एरिया है, ठीक है ना। 72 पाई ही तो है हमारा, केवल पाई लगाना था, तो 72 पाई, पूरा ज्यादा काम नहीं करना है आपको, एक बार चेक कर लीजिए 72 पाई। आगे चला जाए, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एवरेज ऑफ द रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 20 मैचेस 35, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मैचेस 45, एवरेज ऑफ द लास्ट 8 मैचेस। आप इसको नैनो टेक्निक से कैसे करेंगे, फर्स्ट 12 मैचेस का एवरेज कितना है 45, 20 रिमेनिंग 8 मैचेस का एवरेज, एवरेज ऑफ द रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 20 मैचेस इसका कितना ये पता करना है, और ओवरऑल 35 है आपका, ओवरऑल कितना है 35 है। तो बेटा यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर मैचेस की संख्या का रेशियो कितना हो गया, 3:2, यहाँ का डिफरेंस कितना है 10, तो अगर 10:2 है, अगर 10:2 है तो रेशियो में 3 कितना होगा 15, ये वाली वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में होती है, तो 45 35 से बड़ा है, ये वाली वैल्यू 35 से छोटा होना चाहिए, यानी हम क्या करेंगे 35 माइनस 15, 35 माइनस 15, और ये कितना आ जाएगा 20, ठीक, चेक कर लीजिए। आगे चला जाए, अब इसको देख लीजिए, इस ग्राफ में क्या दिखाया गया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है टोटल एक्सपेंडिचर का, एक कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर का, ग्राफ को स्टडी करना है और क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो ये पीछे भी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, तो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी, ये टोटल कितना हो रहा है 20 हो रहा है, कितना हो रहा है बेटा 20 हो रहा है, ठीक है ना। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफर ऐड, तो टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 20 और 15 35, 35 और इसको जोड़ लो तो एक बार 17, 7, 14, 24, 25, ये कितना हुआ 35, 35 और 25 कितना हो गया 60, 60 और 20 कितना हो गया 80, 80 और 20 100, ये तो होना है 100, ठीक है ना। तो हमें क्या पूछा गया है, टोटल एक्सपेंडिचर इज हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो 100 है वो 20 का कितना टाइम्स है ना, यही तो ये थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा देखते हैं और क्या दिक्कत है इसमें, एक बार और जोड़ लेते हैं, ये तो 100 होना ही होना है क्योंकि टोटल का दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि किसका दिया है, टोटल का दिया हुआ है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, ठीक है 25, तो ये यहाँ थोड़ा सा हमें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है इसमें, तो 20 और 15 35 हो रहा है, ठीक है ना, ये तो हो गया। चलो हमें ऐसे लिख के दिखा देते हैं, 20 है, 15 है, 17.5 है, 7.5 है, 5 है, 15, क्योंकि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो तो 100 होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है। इधर एक आ रहा है 6, 12, 13, 20, 25, 30, 0, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 10, ठीक है ना, और इनका टोटल, इन दोनों का टोटल कितना है बेटा 20, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो 100 है वो तो इन दोनों के सम का कितना गुना होगा 5 टाइम्स होगा,
ठीक है ना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो वही सब दिख रहा है। ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया टोटल एक्सपेंडिचर का, आपको आंसर करके आंसर देना है। ये 20 है, ओके, इधर 20 है, इधर 25 है। चलिए तो पांच और जोड़ लीजिए, कुछ और डेटा, दोनों डेटा में डिफरेंस है बेटा, देखिए तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा, ठीक है ना, तभी ऑप्शन हिंदी के अकॉर्डिंग बना है मेरे ख्याल से। अब जोड़ते हैं इसको, इस ग्राफ को हम लोग नहीं लेते हैं, इस ग्राफ को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 25 ये हो गया, फिर 17.5 हो गया, ठीक है ना, फिर कितना हो गया, 20 हो गया, डेटा इंटायरली डिफरेंट है, फिर 10 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 22.5 हो गया, तो इधर 0 हो जाएगा, 1 6 6 12 13 13 और 5 18 18 5 23 2 25 2 4 5 5 2 7 8 9 9 2 11 115। तो किसका किसका लेना है, सैलरी का और ये रिसर्च डेवलपमेंट का जो कि 20 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि टोटल 115 जो है 20 का कितना प्रतिशत, कितना गुना बना रहा है, तो 2 5 10 2 7 14 2 5 10 एक बार फिर से 2 5 10 2 7 14 2 5 10 तो आपका 11 पॉइंट है, तो 5.75 कितना आ जाएगा बेटा, 5.75 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक, करेक्ट कर लीजिएगा 5 times इसको, जो पहला वाला बताया था 100 होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो 5 times इसका करेक्ट आंसर होगा, उसको अवॉइड करिए, ऑप्शन को अवॉइड करिए, 5 times इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, इसमें क्या दिया है, फॉलोइंग ग्राफ शोज द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑफ टू बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ आइडेंटिफाई द गर्ल हु हैज शोन द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट फ्रॉम द क्लास 10 to 12, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस दिया है एग्रीगेट मार्क्स का, एग्रीगेट मार्क्स का देखें तो परसेंटेज ही होगा, टू बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम द बेसिस, तो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हमें देखना है, तो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट अगर हम चेक करें, ठीक है ना, तो हमारा आएगा गैप को देखना होगा, तो यहाँ पर अगर गैप देखें तो इतना है, यहाँ पे तो डिक्रीमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट केवल देखेंगे, यहाँ इम्प्रूवमेंट इतना है, यहाँ इम्प्रूवमेंट ये है, यहाँ इम्प्रूवमेंट है, यहाँ इम्प्रूवमेंट है और यहाँ इम्प्रूवमेंट है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, किसका हो गया, अलका का, बस आंसर, ठीक है ना। गैप कहाँ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा गैप देखो बेटा यहाँ पे है, अगर इस लाइन को देखें तो ये सब कम है, ये भी कम है, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, तो अलका का रहा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट वाला, इसमें क्या दिया गया है देखिए, इन हाउ मेनी इयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12 होल 2/4% पर एनम, कितने वर्ष में, इन हाउ मेनी ईयर विल द सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू द प्रिंसिपल, तो बेटा हमें ये बताएं, नैनो टेक्निक्स को चेक करते हैं हम लोग, 12.5% यानी कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/8, आप प्रिंसिपल क्या है 8 और इंटरेस्ट क्या है 1, तो 8:1, और ये कितने कितने साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का, अब हमें देख दिया इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल लेना है, यानी 8 के बराबर, तो ये कितने ईयर का होगा ये हमें पता करना है, तो ये बताओ एक इंटरेस्ट कितने साल का है, 1 साल का है, हम क्या लिखेंगे, सिंस एक इंटरेस्ट जो है 1 साल का है, 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1, रिपीट करेंगे, 1 साल का इंटरेस्ट 1 है, 1 साल का इंटरेस्ट 1 है, तो उसके 8 गुने का, तो 8 इंटरेस्ट का टाइम कितना होगा, 8 साल, तो 8 वर्ष मिल जाएगा, ठीक है ना, ओके। आगे चलते हैं, 8 गुने इंटरेस्ट का, तो सीधे कह दो अगला वाला, इसमें लगा लो M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 सीधे, तो 30 आदमी 8 घंटे 16 दिन, तो बाय वर्किंग हाउ मेनी आवर्स, 32 men 20 days में कर लेंगे, तो T यहाँ से निकाल लीजिए, 16 दूनी 32, 2 से 15 बार,
चार से दो बार, चार से पांच बार, पांच से तीन बार, तो टी बराबर कितना आ गया, छह घंटे पर डे। सीधे कितना हो जाएगा बेटा, छह घंटे पर डे। चला जाए आगे, चलिए देखिए, ओ सेंटर है सर्कल का, दो कॉर्ड ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, पी पर सर्कल के अंदर ए बी 15 दिया है, ध्यान दीजिएगा पूरा ए बी 15 है और पी बी 9 है, तो ये बेटा ये 9 है, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना होता है 6, और सी पी 3 है, ये आपका 3 हो गया, और आपको पी डी का लेंथ निकालना है, और पी डी के लेंथ को हम एक्स कर लेते हैं, तो आपको कॉर्ड का इंटरसेक्शन का रिजल्ट मालूम होगा। हम क्या लिख दें, पहले पहले लिख देता हूँ, ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू इंटू पी डी, तो ए पी कितना है 56, ए पी हो गया 6 और ये बी पी हो गया 9, सी पी हो गया 3 और ये हो गया पी डी, तो पी डी की लंबाई कितनी हो गई 18, नहीं 3 दुनी 6, 9 दुनी 18, सही है, डायरेक्ट रिजल्ट हो गया आपका, ठीक है ना 18। चलें आगे, अब आ जाइए अगला वाला, फाइंड द वैल्यू, हमें एक्सप्रेशन को बस हल करना है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन को हल करना है, तो चलिए चेक करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें अगर हम, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 25 पंजे 125, 12.5, फिर घटा दिए तो कितना आ गया 0.5, कितना आ गया 0.5, 25 पंजे 125 12.5, और एक का डिफरेंस आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर हम तो 60 आ जाएगा, ठीक है ना, और इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 60.5 आ जाएगा, अब घटा लीजिए 63 में से तो 2.5 आ जाएगा, अब 2.25 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 नवा 225, और 25 बटे 225 और ये क्या बनेगा बेटा, हमें दो पॉइंट पे लाना है तो एक और पॉइंट यहाँ लगा दो, क्योंकि 25 नवा 225 होगा, फिर दो पॉइंट खिसकेगा, ठीक है ना, यहाँ तक काम हो गया, अब इसको 2.1 में जोड़ देना है, देयरफॉर 2.1 में आप 0.9 को जोड़ दो और कितना आ गया बेटा आंसर 3 आ गया, या 3.0 लिख लीजिए जैसे भी हो, आंसर 3 आ गया, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है, चलें आगे, ए प्लस बी दिया, ए बी दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको मालूम है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी की जगह 11 रख दिया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी 15 कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 121 हो जाएगा और 15 दुनी 30 यहाँ से माइनस कर देना है, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 91, चेक कर लीजिए, सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक, चलिए चेक करते हैं, अगला क्या है, छत्तीस सौ डिवाइड किया गया है तीन लोगों में, सीमा, कोमल और रीता में, ठीक है ना, इस प्रकार की रेशियो जो शेयर ऑफ सीमा एंड कोमल है, सीमा और कोमल का रेशियो दिया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, यानी 3:4 रेशियो दिया गया है,
और फिर कोमल और रीता का भी रेशियो दे दिया है, और ये 2:5 है, 2.5 यानी 4:5 है, 4:5 दोनों में कोमल सेम होना चाहिए, ऑलरेडी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3600 तीनों का सम है, रेशियो में तीनों का सम सीमा कोमल और रीता का कर लो, 4 3 7 5 12, और किसका निकालना है, रीता का, रीता का कितना है 5, 12 3 36, 5 3 15, तो ये 1500 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेना था थोड़ा सा, ठीक है, आगे चलें। इधर वाला ग्राफ देखिएगा, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर आपका मिलकर 100 होना चाहिए, इसको आप रिजेक्ट करिएगा, इस ग्राफ को नहीं देखिएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, इसका टोटल कितना है 35, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है जो शुरू में भी हमने देखा था, टोटल देखना है टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन, टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन ये 27.5, और इसका रेशियो बताना है, तो हम लोग को क्या, हम लोग क्या लिखेंगे, 35 और 27.5 सिंपली, क्योंकि टोटल का अगर लेंगे भी तो वो कट जाएगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आपके कन्वीनियंस के लिए लिख दें, 350 10 से मल्टीप्लाई करके 275, ठीक है ना, 25 से काट देते हैं, 25 एकम 25 25 चौका 100, 25 एकम 25 25 एकम 25, 14 संबंधी 11, ठीक है ना। ऑप्शन पे अब ना जाइए, क्योंकि वो उधर से लिखा गया होगा उस वाले ग्राफ से जो कि आपको इनकरेक्ट है। 25 एकम 25 हो गया, 10 बचा, 25 चौका 100, ठीक है, तो 14 संबंधी 11 करेंगे। इसमें आप कोई ऑप्शन आप बना लीजिए आप इसमें, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर मिलकर 100 होना चाहिए ना, टोटल एक्सपेंडिचर मिलकर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, और इसमें 100 हो रहा है, उसमें 100 नहीं हो रहा है, पीछे हम लोगों ने चेक कर लिया था। पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस प्रकार की पी क्यू और क्यू आर बराबर है, एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर में क्यू एंगल 90 डिग्री है, पी क्यू भी 10 है, और ये वा ये आपका ये भी 10 है क्यू आर, और इस पर ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो इसका लेंथ बताना है, इसकी लंबाई को एक्स कर लेते हैं, हमें रिजल्ट मालूम है 1/x² इज इक्वल टू 1/10² प्लस 1/10², काम खत्म, यानी 1/x² बराबर 1/100 1/100 2/100 2/100 2/100 यानी 1/50, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 50, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, लेंथ हमें कभी नेगेटिव नहीं होता आपका, इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे, 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, चेक करें अगला वाला, बात करें तो चला जाए नेक्स्ट पर। ये अगला वाला, तो अपना आइडेंटिटी ब्रेक करिए, आइडेंटिटी से चाहे कॉस को साइन में चाहे साइन को कॉस में लाइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो हम 1 - sin² θ इसको लिख लें, तो 4 - 4 sin² θ, -3 है और +2 बराबर में 0, -4 - 3 - 7 -7 sin² θ, 4 - 2 2 बराबर -2, तो sin² θ इज इक्वल टू कितना हो गया 2/7, sin² θ 2/7, tan थीटा का मान निकालना है, तो cos स्क्वायर ही निकाल लेते तब तो हम, ठीक है ना, जल्दी काम हो जाता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो sin थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर चलिए √2/√7, तो इसको बना लीजिए एंगल ट्रायंगल को, ये थीटा हो गया और ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा √7, ये √5 आएगा ना, तो tan थीटा कितना हो गया √2/√5, क्या हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं,
फोर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस थ्री साइन स्क्वेयर थीटा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, माइनस थ्री साइन स्क्वेयर थीटा प्लस टू, फोर प्लस टू सिक्स होता है ना बेटा, फोर प्लस टू सिक्स, हमने उसको यहाँ माइनस कर दिया, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी सही करना होगा, चलो ठीक है, इसको भी सही करना होगा, प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो चार और दो छः, उधर जाए माइनस छः, यानी सिक्स बाई सेवन हो जाएगा, यानी रूट सिक्स बाई रूट सेवन, और पाइथागोरस थ्योरम लगा लो थीटा, तो ये रूट सिक्स है और ये रूट सेवन है, तो इसमें स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी वन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा, वन आ जाएगा, क्योंकि रूट सेवन का होल स्क्वायर सेवन, रूट सिक्स का होल स्क्वायर सिक्स, सेवन माइनस सिक्स वन, स्क्वायर रूट वन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट सिक्स बाई वन, दैट इज रूट सिक्स, ये रूट सिक्स हो गया, चार और दो छः होता है, इसका ध्यान रखना है, तो चला जाए आगे नेक्स्ट वाला, ठीक, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक रनर जो है रन कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इफ ही रन एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी द डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ हिज स्पीड, ठीक है ना, अगर 40 से कितना कर रहा है, 30 कर रहा है, परसेंटेज डिक्रीज इन स्पीड निकालना है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन स्पीड क्या हो जाएगा, 40 से अगर 30 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है, और 10 कम किससे हो रहा है, 40 से, और इंटू 100, तो कितनी की कमी आ रही है, 25% की कमी आ रही है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना था ना हमें, तो कितना हो जाएगा, 25%, क्योंकि यहाँ पर कुछ और ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, क्लियर हो गया, आगे चला जाए नेक्स्ट वाला, ये a माइनस बी दिया हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 88 है, तो हमें क्या बताना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं, और a माइनस बी 4 दिया हुआ है, और प्लस को माइनस के टर्म्स में लिख लो, इसको हम लोग a प्लस बी को a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो 4 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4ab, अब ab की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं, ab की वैल्यू क्यूब वाला फॉर्मूला दिया है उसको हम लोग यूज़ कर लें, हमें आइडेंटिटी मालूम है कि a माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं, ए क्यूब ये हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ये 4 का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब 88 हो जाएगा, 3ab और a माइनस बी अगेन कितना है बेटा 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 64 बराबर 88 माइनस 4 तीन 12 ना, 4 तीन 12 ए बी, तो 12 ए बी कितना हो जाएगा बेटा, माइनस कर लीजिए 8 माइनस 4 4 और ये 24, तो ए बी का मान कितना आ रहा है 2, यहाँ से ए बी का मान पता चल गया, अब ए बी का मान पता चल गया तो यहाँ रख दीजिए, ये आइडेंटिटी तो आपको मालूम ही होगी, प्लस माइनस दिया हो तो प्लस निकालना, प्लस दिया हो तो माइनस निकालना, ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 4 इंटू ए इंटू बी यानी 2, तो ये 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 दुनी 8 8 चौदह 24 हो जाएगा, ठीक है ना, अब इसमें से 4 कॉमन आएगा, 4 छंग 24, 4 है तो 2, 4 दुनी 8 8 रूट 6 क्या आएगा, हाँ ये तो यूनिट में ही आएगा ये वाला, तो 8√6 आ जाएगा, ठीक है, चेक कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत हो तो बताइए।
ठीक है ना। बस इसमें थोड़ा सा इस डी आई को ध्यान दीजिएगा, जिसको हमने अभी करेक्शन कराया है, वो आपका गड़बड़ ना हो। ये क्लियर है ना, बस ये आइडेंटिटी ये वाली याद रहे तो आपका काम बन जाएगा। बाकी इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमने पिछली डी आई में जो बात आपको बताई है इसको हटा दिया जाए ना। ये वाला आपका जो है इस वाले में, इसको आप लोग कैंसिल करिएगा, हिंदी वाला मत रेफर करिएगा, और ऑप्शन यहाँ पर सही भी कर लीजिएगा जैसा मैंने बताया है। तो सबको जोड़कर 100 होना चाहिए, तो 100 यहीं पर हो रहा है, वो वाला ग्राफ नहीं से ना रेफर करिएगा। और इसका आंसर करेक्ट करके क्या बताया, 114 संबंधी 11, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह का इसी डी आई पर दो क्वेश्चन और पीछे था ना, ठीक है ना, इसको थोड़ा गौर करिएगा, दो क्वेश्चन और पीछे था तो उसको अगर देख लो तो उसको भी ध्यान में रखना, उसका भी आंसर हमने बता दिया था। दो क्वेश्चन जो और था इसी पर, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये तो दूसरा डी आई था, ये वाला, इसको भी हमने बोला था, इसको आप क्रॉस रखिएगा, हिंदी वाला ना रेफर करिएगा। और इसमें हम लोगों ने आंसर कितना निकाला था, 5 टाइम्स, क्योंकि वो 20 हो रहा था बेटा। उसको रिजेक्ट क्यों कर रहे, क्योंकि यही मिलकर केवल 100 हो रहा है, ये सब अगर जोड़े, क्योंकि सारे खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया हुआ है, 100 टोटल खर्चा 100 से ऊपर जाएगा नहीं। अगर 100 से नीचे गया होता तो हम कहते हैं भैया कोई ऐसा खर्चा जो यहाँ नहीं दिया गया, तब तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन 100 से ऊपर तो जाएगा नहीं टोटल खर्चा। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, रुपये में डिस्ट्रीब्यूशन होता तो बात अलग होती, तो 100 के ऊपर हम लोग इसकी बात कर सकते थे, ठीक है ना। और एक एक और क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, उसमें आंसर मैच किया था, क्योंकि हम लोगों ने इधर से ही निकाला था, ठीक है ना। एक और इसी ग्राफ पे क्वेश्चन था ना, एक और ग्राफ पे क्वेश्चन कहाँ गया, एक और ये वाला, तो यहाँ पर भी है, हिंदी वाला ग्राफ आप लोग रिजेक्ट करेंगे, ये वाला ग्राफ रिजेक्ट करेंगे। और इसमें आंसर शायद हम लोग को सही मिल गया था, क्योंकि 100 की जरूरत नहीं थी, 33.33 मिल गया था। तो ये गड़बड़ी ना करिएगा आप लोग। और आप लोगों से भैया अनुरोध है कि आप सभी लोग अपना स्पीड टेस्ट देते रहें, ठीक है ना, ब्रांचेस पे जाएं, ऑफलाइन स्पीड टेस्ट, जो नए बच्चे ने ज्वाइन किया है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से, उन लोगों को हमारा मैसेज है कि आप लोग ब्रांचेस पे जो ऑफलाइन स्पीड टेस्ट हो रहा है उसको करते रहिए, क्योंकि उसी से ग्रोथ होगा। अपने दिमाग में ये बिल्कुल मत रखिएगा, अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा यार अभी तो हमने ज्वाइन किया तो अभी हम क्या करेंगे, ठीक है ना। बार बार हम बच्चों को कहते हैं भाई शुरुआत जब आप करोगे, मान लो पहली एसटी से आपने शुरुआत की, ये हम बच्चों को बोलते रहते हैं कि पहली एसटी से शुरुआत की तो आपका कितना मार्क आ गया, मान लीजिए -5 आ गया, दूसरी एसटी में मान लीजिए -2 आ गया, तीसरी एसटी में मान लीजिए 0 आ गया, फिर न जाकर आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, चौथी एसटी में 4 आया, फिर पाँचवीं एसटी जब आपने की, पाँचवीं एसटी आपने की अगली बार तो मान लीजिए कि 3 हो गया, चलो कोई बात नहीं, सिक्स्थ एसटी की तो उसके बाद मान लीजिए 10 हो गया, फिर सेवन्थ एसटी की तो आपका मान लीजिए कि 10.5 पे ही आ गया, पता चला 8 एसटी करते ही ये 15 नंबर पे पहुंच गया, एंड सो ऑन। ये ग्रोथ ही तो है, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि सिलेबस पूरा होते ही या टॉपिक पूरा पढ़ते ही आप सीधे 35 से 35 ले आओगे, मैथ्स में 30 ले आओगे, या 40 में 40 ले आओगे, या मीन्स निकालोगे, प्री निकालोगे, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको स्पीड टेस्ट देते रहना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सभी लोग बेटा इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने ब्रांचेस पे जाइए, स्पीड टेस्ट दीजिए, ठीक है ना, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ओके, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।